जनपद शामली के गांव मंटी हसनपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें परिजन घायल हो गए। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना भवन क्षेत्र के गांव निवासी स्कूली छात्रा ने स्कूल आते जाते वक्त छेड़छाड़ करने वाले युवक का विरोध किया तो गुस्साए आरोपी युवक व उसके परिजनों ने पीड़िता के घर पर घुसकर हमला कर दिया, जिसमें छात्रा के परिजन घायल हो गए। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर जाँच शुरू कर दी है। क्षेत्र गाँव निवासी छात्रा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह कस्बे के इंटर कॉलेज में स्कूल पढ़ने जाती है। गाँव का ही एक युवक पिछले काफी समय से आते जाते वक्त उसका पीछा करता है। कई बार उसने छेड़छाड़ करते हुए अश्लील पंक्तियां कसी। सोमवार को जब वह स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी आरोपी युवक ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। छात्रा ने आरोपी युवक का विरोध करते हुए आरोपी युवक को धमकाकर भगा दिया। घर पर पहुंचकर छात्रा ने अपने परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया। लड़की के परिजनों ने आरोपी युवक के घर वालों से आरोपी युवक की शिकायत कर दी। शिकायत करने से नाराज आरोपी युवक व उसके परिजनों ने छात्रा के घर पर घुसकर हमला बोल दिया, जिसमें छात्रा के परिजन चोटिल हो गए। थाने पहुंचे परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें मंटी हसनपुर की एक छात्रा है, उसे छेड़छाड़ और मारपीट की प्रकरण सामने आया है और जिसको लेकर दोनों परिवार में कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ है। छात्रा द्वारा थाना में तहरीर दिया गया है और थाना भवन की पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव और खतौली विधायक विक्रम सैनी के बीच जमकर तूतू में हुई, जहां खतौली विधायक ने सचिव को आड़े हाथों लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति सचिव सुभाष यादव एवं किरायेदारों के बीच चल रहे विवाद में विधायक विक्रम सैनी ने हस्तक्षेप करने से हंगामा हो गया। विधायक और सचिव के बीच सोसाइटी कार्यालय पर जमकर तकरार हुई। आरोप है कि बात बढ़ने पर विधायक विक्रम सैनी ने सचिव सुभाष यादव को जाति सूचक शब्दों से नवाज कर गाली गलौज की। समिति सचिव सुभाष यादव ने बीते दिनों सोसाइटी मार्केट में किरायेदारों पर नया अनुबंध करने का दबाव बनाते हुए एक किरायेदार हरीश के गोदाम पर ताला जड़ दिया था, जिससे आक्रोशित किरायेदारों ने समिति कार्यालय में जमकर हंगामा किया था। बात बढ़ने पर समिति कर्मचारियों व किरायेदारों के बीच गाली गलौज पर हाथापाई के बाद मारपीट हो गई थी। सचिव सुभाष यादव की तहरीर पर पुलिस ने सोसाइटी में किरायेदार हरीश व इसकी पत्नी सीमा देवी के अलावा दीपक कुमार, अरुण कुमार, मनीष शर्मा, सोहनवीर, अशोक कुमार, हरिओम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। किरायेदार हरीश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे आक्रोशित किरायेदार ने सोसाइटी कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया था। जिला गन्ना अधिकारी राजेश्वर धर द्विवेदी ने सचिव द्वारा लिखाए मुकदमे को खत्म कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया था। चार दिन पहले पुलिस ने किरायेदार हरीश को हिरासत में लेकर थाने ले जाकर बैठा दिया था। विधायक विक्रम सैनी के हस्तक्षेप से पुलिस ने नामजद मुकदमा लिखा होने के बावजूद व्यापारी हरीश को जेल भेजने के बजाय थाने से चलता कर दिया। आरोपी के जिला गन्ना अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप मुकदमा खत्म कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बजाय सचिव सुभाष यादव ने किरायेदार सोहनवीर को गोदाम खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। किरायेदारों द्वारा सचिव सुभाष यादव पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगा। इसकी शिकायत करने पर विधायक विक्रम सैनी सोमवार को सोसाइटी कार्यालय पर आधमके। विधायक विक्रम सैनी ने सचिव सुभाष यादव को हड़काते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में लोग परेशान हैं तो समझो कि वह परेशान है। आरोप है कि सचिव सुभाष यादव द्वारा अपना पक्ष रखने से विधायक विक्रम सैनी हत्थे से उखड़ गए। इसके बाद विधायक विक्रम सैनी ने सचिव को जाति सूचक शब्दों से नवाजने के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। सचिव सुभाष यादव ने हाथ जोड़कर माफी मांगकर विधायक विक्रम सैनी का गुस्सा शांत कराया। मामला यह था कि मैं भी गन्ना समिति में आया था पर्ची के लिए और यहाँ सचिव के कार्यालय में जो है विधायक जी बैठे थे, मैं भी वहाँ चला गया। उनमें आपस में कुछ नोकझोंक हो रही थी किसी बात को लेकर, विधायक जी उन्हें गाड़ी दे रहे। मैं विधायक जी से कहने लगा, विधायक जी ऐसा ना करो, गाड़ी आपको सौंपा नहीं देती, आप जो है विधायक सचिव महोदय जो यहाँ का गन्ना समिति का सचिव है उनके साथ नोकझोंक हो रही थी, गाड़ी से बोल रहे थे। मैं कहने लगा, विधायक जी ऐसा गाड़ी ना दो, आपको सौंपा नहीं देती, आप विधायक है, आप अपना नरमता के उससे बात करें। मामला ये था, यहाँ के दुकानदार हैं, इनकी दुकानें बहुत गहराई पर होगी, इन्हें कहा जा रहा साहब किराया बढ़ गया, चलो किराया जो सरकार ने बढ़ाया होगा बढ़ गया, अब इनकी मांग दुकानदारों की है भाई हमारी दुकान सही करवा दो, हम किराया जो सरकार करेगी देंगे। इनकी दुकानों पर ताला लगा दिया, ये कोई रसीद लेना चाह रहे थे, जो प्रस्ताव हुआ कि भाई किराया बढ़ाने वाला कि हमें प्रस्ताव दे दो, प्रस्ताव की नकल नहीं मिल रही थी, मैं नकल दिलवाना आया था, बबला तू मन रहा हो क्या, मैं यादव हूँ। अरे यादव के नाम पे कर लूँगा तुम यार, यादव ऐसे हो क्या,
यादव तो सिर्फ प्रसन्न थे, यदुवंशी हैं, और ऐसा काम करते हो जनता की सेवा नहीं करते। ये मामला तो ज़्यादा कुछ नहीं था, नकल दे दी कोई बात नहीं। मुकदमेबाजी भी हुई है इसमें? मुकदमेबाजी ने फर्जी मुकदमा लिखा रखा उनके खिलाफ, फर्जी मुकदमा, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। साहब सरकारी काम में बाधा डाली, कागज़ फाड़ दिए, फाड़ दिखा फटा हुआ कहाँ है, अपना आप फाड़ के दिखा रहा, कोई कागज फटा नहीं, कोई कागज फटा नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 15,000 के दो इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। घायल दोनों बदमाश 15,000 रुपए के इनामी बदमाश हैं, जिन पर हत्या, लूट और डकैती जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पूरा मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा क्षेत्र में बदमाशों के होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना अध्यक्ष हरशरण शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बदमाशों की घेराबंदी की, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल दोनों बदमाश 15,000 रुपए के इनामी बदमाश हैं, जिन पर हत्या, लूट, डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। ये पिछले कुछ दिनों से कुछ अपराधियों ने दोपहर के 2 बजे से लेकर और शाम 4-5 बजे तक इस टाइम पे कुछ घटनाएं करने की लगातार योजना बनाते रहे हैं, और इसी संबंध में 2 से 4 बजे के बीच में चेकिंग करवाई गई थी, जिसमें चेकिंग के दौरान यहाँ बुढ़ क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो ये दो अपराधी थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, और जब आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो इसमें दो अपराधी हैं, नावेद और खालिद, इनको पैर में गोली लगी है, इनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि ये शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके ऊपर दर्जनों भर मुकदमे पंजीकृत हैं, और मुकदमे चोरी, लूट, डकैती, हत्या, गैंगस्टर इत्यादि के कोई दर्जनों भर मुकदमे पंजीकृत हैं, और इनके पास से 2 तमंचे, 4-5 खोखा राउंड और कुछ जिंदा लाइव कार्ट्रेज भी इनसे बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। मीरापुर के BIT में BMS के छात्र छात्राओं पर बोलेरो कार में सवार होकर आए नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों द्वारा कॉलेज परिसर में घुसकर किए गए हमले के विरोध में मंगलवार को छात्र छात्राओं ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर हमलावर को बचाने तथा PD छात्र छात्राओं का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर बाहर से आने वाले शिक्षकों व अन्य छात्रों को कॉलेज के अंदर आने से रोक दिया। हंगामे की सूचना के बाद CO जानसठ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं से वार्ता कर उन्हें समझा बुझा कर शांत कराया। मीरापुर के BIT कॉलेज में हमले में घायल छात्र छात्राओं ने अधिकारियों के समक्ष अपनी पीड़ा सुनाते हुए कॉलेज प्रबंधन पर 1.5 माह पूर्व हुए झगड़े के बाद करीब 15 दिन तक उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर पुलिस व मीडिया के नाम पर 25,000 रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया गया। मंगलवार को हंगामे की सूचना पर BIT कॉलेज पहुंचे SP देहात आलोक शर्मा व SDM वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार के समक्ष BAMS के छात्र छात्राओं ने सार्वजनिक रूप से कॉलेज प्रबंधन पर मामूली बातों पर भारी जुर्माना वसूलने का आरोप लगाया। छात्र शुभम, लवि, इंतकाब व रजत के साथ साथ सभी छात्रों ने एकजुट होकर अधिकारियों को बताया कि 1.5 माह पूर्व हुए झगड़े के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी BTEC छात्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि उल्टा उनसे ही 25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया था। जब छात्रों ने जुर्माना को देने से मना किया तो आरोप है कि उन्हें 15 दिन तक कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों से पुलिस में मीडिया को देने के नाम पर 25,000 रुपए वसूलता है। छात्र छात्राओं की बात सुनकर पत्रकार कॉलेज प्रबंधन पर भड़क उठे तथा झूठा आरोप लगाने से नाराज पत्रकारों ने कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर विराज त्यागी व डिप्टी डायरेक्टर राघव मेहरा ने पुलिस व मीडिया के नाम पर जुर्माना वसूलने की बात को सिरे से खारिज करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी तथा डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि वह इस मामले की स्वयं जांच करेंगे। अनुरोध करना चाहूंगा, जो हमने BIT का परिसर देखा है, ये पूरी तरीके से असुरक्षित है। छात्रावास भी है, यहाँ भी रहती है, और पूरा जंगल है इस साइड में, पूरी तरीके से असुरक्षित है। ना तो कहीं पर कोई टावर बना हुआ है, न कहीं कोई सुरक्षा गार्ड है, न कहीं इसमें CCTV लगे हुए। अगर CCTV लगे होते तो कल वो यहाँ उपद्रवी तक घुस के चले आए थे, चाहे वो छात्र रहे हो, चाहे बाहरी व्यक्ति रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं से उनका पता लग जाता है।
तो ये एक बहुत बड़ी चूक है। और हमारा आपसे अनुरोध यही है कि एक तो आप चारों तरफ में टावर लगवा दीजिए, टावरों पे सर्च लाइट लगवा दीजिए, और कम से कम 3 दिन से 7-8 गार्ड आपको रखने पड़ेंगे जो उसमें रहें। इसके अलावा जो आपका इंट्रेंस है मेन इंट्रेंस, उस इंट्रेंस पे मतलब चेकिंग हो करके, चेकिंग से मतलब मेरा ये है कि जो कॉलेज में आने के लिए ऑथराइज है, गार्जियन आ रहा है या कोई एडमिशन के लिए आ रहा है, वही है। तब प्रशासन इतना खत्म है, हद से ज्यादा खत्म है। एक तो थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा है। किस तरीके की प्रोटेक्शन किस तरीके भी नहीं है, 25 ना लड़कियों की तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज में कोई भी किस टाइम घुस सकता, और अब भी आपने देखा है क्या हालत है। मैं 1500 लड़के घायल है, जिसमें से खूब पिटे कॉलेज में घुस गया। उससे पहले लड़ाई बकाया हमारे ऊपर हमला करा, उसके बाद जब कोई हमें मारेगा तो छोड़ो, तो हमारी तरफ से लड़ाई होगी। कोई पिटने वाला तो है नहीं, अच्छी कौन पिट रहा है, पिटेगा कौन पिट जाए कुछ नहीं पता किसी का। उसके बाद जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद भी हम पे 25-25 फाइन लगा। उस फाइन को हमने कहा कि फाइन हम पे क्यों लगाया, लड़ाई होना स्टार्टिंग में करी। लेकिन कॉलेज वाले बोलते मीडिया ने पैसे खाए, मीडिया ने पैसे खाए। मैंने भी मीडिया कहाँ किया, मीडिया ने पैसे लिए। कौन आरोप लगा रहा मीडिया? कॉलेज वाले, प्रशासन से, कॉलेज का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने आरोप लगाया। पुलिस वालों ने पैसे खाए, मैनेजमेंट ने पैसे खाए। हम पे 25,000 हमने इतनी रिक्वेस्ट करी सर, हमारी क्लास में 45 दिन तक हम क्लास में नहीं गए सर, हमारी पढ़ाई सर 45 दिन हम क्लास में नहीं गए। चार बच्चे 25,000 रुपए, 2 से 10,000 रुपए, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में भी कम से कम 40-50 बाउंसर्स और गनमैन होते हैं। हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में आपको एक गनमैन या एक बाउंसर नहीं दिखेगा। आज वो कल तमंचे लेकर आए हुए थे, अगर किसी को गोली मार देते तो कौन जिम्मेदारी लेता? और सुनिए, आज वो लड़कों को मार के गए, अगर कल वो लड़की उठा ले गए तो कौन क्या कर लेगा? मैनेजमेंट जो है 420 है, हमेशा 420 की बात करता है। केवल BMS वालों बच्चों से पेनाल्टी ली जाती है, और जो बच्चे हैं उनसे पेनाल्टी नहीं ली जाती है। पहले झगड़ा हुआ BMS वालों बच्चों से, 1,00,000 रुपए ले लिए गए। उसके बाद जो दोबारा पे झगड़ा हुआ उनको, उनसे मतलब BTech और पॉलिटेक्निक वालों से कोई पेनाल्टी नहीं ली गई। जो कुछ है सब BMS वाले पैसा देने के लिए, BMS वालों के से पैसा लिया जा रहा है सारा। देखिए, मेरा कहना ये है कि जो भी घटना हुई है उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, और उसमें जो भी कार्रवाई कॉलेज की तरफ से होगी वो भी, प्लस पुलिस के साथ मिलकर जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करेंगे, कॉलेज की तरफ से भी, अगर हमारा बच्चा है। और अगर वो कोई बाहर का बच्चा है तो हम पुलिस को पूरा कोऑपरेट करेंगे, और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर कार्रवाई करें। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन जो है हमलावरों को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, हम कॉलेज प्रबंधन बढ़ावा क्यों देगा? अगर कॉलेज की बदनामी होती है वो हमारे अपने इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे अपने इंटरेस्ट में कि कॉलेज का माहौल अच्छा रहे, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए पढ़ाई करें, तो हम तो वो माहौल बनाएंगे। ये आरोप बेबुनियाद है। कॉलेज की सुरक्षा में बिल्कुल कोई वो नहीं है? नहीं, सुरक्षा के लिए मैंने अभी यहाँ पे 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो जो भी मुझे मेजर्स या कुछ मुझे लग रहा है भी कमी है, उस पर हम एक मतलब डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं, और इस चीज़ को बहुत जल्दी किया जाएगा। पूरे कैंपस को CCTV कैमरे से किया जाएगा। दो दर्जन हमलावर 800 मीटर कॉलेज परिसर के अंदर आए। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा कैंपस है, हर जगह सिक्योरिटी को लगाना मतलब कॉलेज के पार्ट पे इतना आसान नहीं है, लेकिन कैमरे से वो चीज़ें बेटर कंट्रोल हो सकती है। और उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं हम अपने लेवल पे भी कर रहे हैं। अगर जो जिन्होंने अटैक करा, अगर वो अपने हमारे बच्चे हुए उनमें से कोई भी, तो उन पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक छात्राओं का ये भी आरोप है कि पीड़ित जो होते हैं जिनको चोट लगी है उन्हीं से आप 25-25,000 रुपये पुलिस और पत्रकारों के नाम पे वसूलते हैं। देखिए, मेरे उसमें कोई ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आप बता रहे हैं तो मैं इसमें देखूंगा हम क्या कर सकते हैं। आपने कभी किसी पुलिस को या पत्रकारों? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया ऐसा। हम कुछ अपनी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। कोई मैंने अब बच्चे कह रहे हैं तो हमें जाँच करनी चाहिए, हम उसकी जाँच करेंगे। जाँच में अगर साबित पाया गया तो कार्रवाई करेंगे जो भी दोषी है, और जो अगर है तो मतलब उसको रिकवरी करेंगे, वापस करेंगे 25-25,000 जो जुर्माना। हाँ, उसकी जांच करेंगे। जो बच्चे घायल हुए हैं उनका उपचार कौन कराएगा? बच्चों के परिजन कराएंगे, पुलिस प्रबंधन कराएगा? देखिए, जितनी हमसे सहायता हो सकेगी हम जरूर करेंगे। भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये मुझे जो पता चला है कि ये कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, कोई 1.5 महीने पहले घटना हुई थी,
उसमें कुछ बच्चों ने मतलब कुछ को पीटा था, तो ये भी हो सकता है कि उसके रिवेंज के तौर पे कुछ बच्चों ने किया हो, तो इसके लिए हम इसकी डिटेल इंक्वायरी हमें करेंगे, तो उसका बेसिकली मतलब थोरोली जांच करने की ज़रूरत है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी हालत में कॉलेज के एटमोसफियर को ख़राब करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये संस्था है पढ़ाई के लिए और यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बना के रखा जाएगा। डेढ़ महीने पहले एक घटना घटित हुई है, उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं लिया, उसे आप लापरवाही में ले गए, जिसके फलस्वरूप ये दूसरी घटना हुई है। देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और मैं उसके बाद सीरीज ऑफ एक्शन आई एम टेकिंग। ठीक है, अब जो फिलहाल घटना हुई इसमें जो हमलावर बच्चे नामजद हुए हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई करी कॉलेज की तरफ से? कॉलेज वो देखिए एकदम ये कल की घटना है, अब सुबह से हम लोग ये जो बच्चों ने थोड़ा सी किया वो उसमें बिजी हैं, लेकिन हमने इसकी इंक्वायरी कमेटी बनानी है, उसमें चार प्रोफेसर्स की इंक्वायरी कमेटी बना के वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या है। चार प्रोफेसर जनपद बागपत के सिसाना रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पार्टी के जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह गठीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में रालोद के अलावा सपा एवं बसपा के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़े रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के मुख्य चुनाव एजेंट जयवीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि 23 मई को मतगणना होगी। उन्होंने सभी एजेंटों को उनकी जिम्मेदारियां बताते हुए मतगणना स्थल पर समय से पहुंचने का आह्वान किया, साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि एग्जिट पोल के भरोसे ना रहें, उत्तर प्रदेश में गठबंधन भारी बहुमत से विजय होगा। उन्होंने कहा कि बागपत से जयंत चौधरी भारी मतों से जीतेंगे, एजेंट मतगणना स्थल पर शांतिपूर्ण मतगणना कराने में अपना सहयोग करें। इसके अलावा मतगणना स्थल से बाहर प्रशासन द्वारा तय की गई निश्चित दूरी पर अपना टेंट लगाकर उसमें शांतिपूर्ण बैठें। उन्होंने कहा कि बाहर पानी की व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी के कहने पर उत्साहित होकर गलत कार्य करें। बता दें कि आगामी 23 मई को दिल्ली सहारनपुर रोड स्थित खेकड़ा के निकट लक्ष्मी चंद पटवारी डिग्री कॉलेज में लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। बागपत से रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और भाजपा से वर्तमान के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने चुनाव लड़ा है। रालोद कार्यालय पर हुई बैठक में पूर्व विधायक अजय तोमर, मंडल महासचिव डॉक्टर ढाका, चेयरमैन मांगेराम यादव, रामपाल यादव, विक्रम भाटी, शकील अहमद बब्बू खान, देशपाल, कुंवर पाल हुड्डा, इसरार अहमद आदि लोग मौजूद रहे। आज ये जो हमारी कार्यालय पर जो मीटिंग हुई थी, ये 23 तारीख की मतगणना के बारे में हुई। जयंत चौधरी जी का चुनाव है, वे देश के महत्वपूर्ण नेता हैं और इसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। एग्जिट पोल के नतीजे आगे देखो, एग्जिट पोल तो 2004 से लेकर 2004 में फेल हुआ, 2009 में फेल हुआ, 2017 में फेल हुआ। एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जो सत्य है वो सबके सामने 23 तारीख में सबके सामने आ जाएगा और सब जनता देख लेगी। सब पता है कि भाजपा सरकार नहीं बन रही। तो क्या जैन जीत रहे? जैन जी 101%। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।